भारत की आबिजारियत, भारत ने रावी, सुतलज और चनाब में पानी छोड़ दिया। दरियाए रावी में पानी का बहाव 4000 क्यूसेक तक पहुंच गया। बड़ा सैलाबी रेला लाहौर की तरफ बढ़ने लगा तो ज्ञानी का कच्चा फ्लड वार्निंग जारी। रावी के किनारे मुकीम अफराद को मुताहत रहने की हिदायत। ठोकर रियाज बेग नहर में 16 साल नौजवान गिरकर जहां बहा। चमन का रिहायशी जेवर खान स्लिप होकर नहर में गिरा। जदीद आलात ना होने के बायस रेस्क्यू टीमों ने 6 घंटे तक ऑपरेशन किया लेकिन मरने वाले की लाश न मिल सकी। लवाहिकीन ने मेन रोड ब्लॉक करके एहतजाज भी किया। हम दुनिया की किसी सुपर पावर का प्रेशर नहीं लेंगे, भारत धमकियां देगा तो सारी कौम सामने खड़ी है। उम्मीद रखता हूं भारतीय कयादत का तकब्बुर खत्म हो जाएगा। पाक भारत ताल्लुकात अच्छे होने से खित्ते में गुर्बत खत्म हो जाएगी, वजीर आजम इमरान खान का खिताब। बोले पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बेहतरीन है। आजादी के बाद हमारा नया माइंडसेट ना बन सका। नए पाकिस्तान का मतलब है नया माइंडसेट। किसी भी सरकारी मुलाजिम पर गलत काम के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। मुझे आपकी मुल्क के लिए जरूरत है, आपने कमजोर आदमी को ताकतवर से बचाना है, वजीर आजम इमरान खान का सरकारी मुलाजमीन से खिताब। बोले हम खैबर पख्तूनख्वा की तरह पंजाब को ठीक करेंगे, पूरे मुल्क की पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को सियासी असरात से पाक करना है। आपको किसी मसले का सामना हो तो अपने वजीर आला को बताएं। और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कारपोरेट क्लास की 7 नशस्तों पर बड़ा मुकाबला। प्याप फाउंडर्स अलायंस और लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के उम्मीदवार मध्य मुकाबले होंगे। पोलिंग आज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी।